मुझे जो बोलना है मैं बोल चुका हूँ, जब तक झड़क यहाँ पे है आप लोग इसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, बस दो दिन की बात है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अनी बेटा तू समझ नहीं रहा है, अर्शी आएगी और झनक को यहाँ देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। थामी अर्शी जाने से पहले भूल के गई है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। हाँ तो वो क्या करेगी? क्या किया है तुम्हारे साथ, क्या करेगी बताओ मुझे? नर्स बनकर तुम्हारी सेवा कर रही? नर्स बनकर नहीं। ओ, सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना तुम्हें? सच बोलने की हिम्मत है, लेकिन आप लोगों को सच सुनने की हिम्मत है? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आपका बेटा चाहता है और वो नहीं चाहता, मैं चली जाती लेकिन उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मुझे लगा था इस बार आप फाइनली समझेंगे, लेकिन आप लोग तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे। और क्या कल परसों में एड शूट है? परसों में मेरा एड शूट है, मैं उस एड शूट के लिए जाऊँगी। पूरे टाइम यहाँ पे नहीं रहूँगी, लेकिन जितने वक्त भी रहूँगी मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे चले जाना चाहिए, तो प्लीज़ बना लीजिए अपने बेटे को, वो मान जाएंगे, मैं ऐसे चली जाऊँगी। धक्के मार के बाहर वाली बना लिया घर की, और शायद मैंने भी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। झनक बिल्कुल बुरी नहीं है, ऑनेस्ट है, सच्ची है। अगर इसका रिलेशन के साथ होता ना तो यहाँ पे नहीं होती, और आदित्य भी इन सब इन्वॉल्व नहीं होते। लाल पूछता है अनी, तू चाहता क्या है आखिर झनक को? ट्रॉली चार्ज। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक मैक्सिमम 4 या 5 डेज प्लीज इसे यहाँ पे रहने दीजिए, बात की बात में सोचेंगे। और ये बात की बात क्या है? ऐसे मैंने बोल दिया है, इतना सब कहने के बाद भी आप समझ क्यों नहीं रहे? अनिरुद्ध अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, दोनों साथ में नहीं रहना चाहते। इसका मतलब अनी तुम अब इस लड़की के साथ रहना चाहते हो? हाँ, हमारे जिंदा रहते ये नहीं होगा। आपकी इजाजत के खिलाफ ना कुछ भी नहीं होगा, मैं भी नहीं चाहती कि अर्शी दीदी इनको छोड़कर जाए। बस मैं चाहती हूँ कि ये बीमार है, मैं इनका ख्याल रखूँ, बस इतना है। झनक मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी है, हर वक्त तुम्हारी बात सुनी है, लेकिन आज जो मैं बोलूँगा वही होगा। तुम यहाँ पे रहोगी, और अगर तुम्हारे यहाँ पे रहने से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा।